हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंडियन मॉम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मोस्ट रिव्यूड कुर्ती। जी हाँ, जैसे कि आजकल चल रहा है कि बेस्ट मेकअप रिव्यू और वर्स्ट मेकअप रिव्यू, ये बहुत सारी वीडियोस आई हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ अपने हॉल वीडियोस के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करूँ। तो मैंने क्या किया, ये हाईएस्ट कस्टमर रेटिंग मतलब इसमें हो रही है, और ये मैं चाहती थी कि मैं भी आपके साथ एक रिव्यू करूँ। और ये है कुर्ती का, और ये है अमेज़न का। इसमें लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हुए हैं और रेटिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है। 71% लोगों ने इसको मतलब 5 स्टार दिया हुआ है, और 21% लोगों ने इसको 4 स्टार दिया हुआ, तो ये काफ़ी अच्छी। और कुछ ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हुए थे कि 7000 की कुर्ती के साथ इन्होंने 1000 की कुर्ती को प्रेफरेंस ज़्यादा दी। तो मुझे ये लगा कि भाई देख तो लें हम भी कैसी कुर्ती है। तो मैंने एक कुर्ती मंगाई है अमेज़न से, और इसका मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको ये रिव्यू ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में कुछ इंटरेस्टिंग है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो के एंड में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये है वो कुर्ती, और इसका मतलब मैं रिव्यू करने वाली हूँ, और ये बहुत ही अच्छी लगी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर है, ये मधुरम टेक्सटाइल की है, और ये काफ़ी अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इसका। ये जैसे आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की है, और ये बहुत ही अच्छी प्रिंटेड कुर्ती है, एंड इस पर बहुत ही अच्छा प्रिंट बन रहा है बर्ड्स का, एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग फ्लावर्स वगैरह बहुत अच्छी मतलब सुंदर लग रही है। ये देखिए आगे से इसमें लेयर्ड दिया हुआ है, लेयर्ड कुर्ती है ये, और पीछे से ये देख सकते हैं आप इसमें बहुत ही अच्छी प्रिंटिंग दी हुई है, बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, बर्ड बनी हुई है एंड फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक दे रही है। आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने हाफ में सिंपल पैटर्न दिया हुआ है, सिंगल लुक दे रहा है, और नीचे यहाँ पे इन्होंने फिर एक डबल लेयर्ड वाला पैटर्न दिया हुआ है जो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है कुर्ती में, एंड रेड कलर से ब्लू कलर से मिक्स है, इसमें स्ट्राइप्स जा रही हैं पैटर्न में। और अंदर से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल प्रिंटेड कुर्ता ही है, और उस पर बर्ड्स वाली डिज़ाइनिंग बनी हुई है, और इसका फैब्रिक है रेयॉन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इन्होंने टाइप के लिए डोरी पैटर्न में दिया हुआ है, और डिटेलिंग बहुत ही अच्छी दी हुई है डोरी की। और ये यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर है, इसमें लटकन काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। ये देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है राउंड नेक, और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है एक बहुत ही अच्छा डिटेलिंग करी हुई है, और यहाँ पे लटकन दिया हुआ है, ये है लकड़ी वुडन का दिया हुआ है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है लटकन भी। एंड 3/4 स्लीव्स है इसकी, प्रिंटेड वाली ही स्लीव्स है, बहुत ही अच्छा लुक दे रही है, पहनने के बाद बहुत ही डिसेंट सा लुक दे रही है। आप इसको कैजुअली कहीं पर भी डाल सकते हैं, डेली वेयर में भी डाल सकते हैं, एंड थोड़ा सा अगर किसी कहीं फंक्शन वगैरह हो, गेट टुगेदर हो, तो उसमें भी अच्छा लगेगा, ये बहुत ही सुंदर लुक देगा। इसके साथ आप कुछ भी लाइट से झुमके वगैरह डाल के, झुमके या फिर डैंगल्स वगैरह छोटे से कुछ भी डालो तो बहुत ही अच्छा लुक देगा। एंड इसको आप इसको एक ड्रेस की तरह भी, गाउन की तरह भी इसको डाल सकते हैं, कि अगर इसके साथ अगर आप कोई लेगिंग वगैरह नहीं डाल रहे तो सिंपल ये गाउन का भी लुक दे रहा है, एज ए गाउन भी इसको आप ड्रेसअप कर सकते हो, इसको मॉल वगैरह में भी पहन के जा सकते हो, तो ये बहुत ही सुंदर लुक देगी। इसका साइज़ है मीडियम, एंड इसका प्राइस है 850 रुपीज़। कुछ लोगों ने इसको 1000 रुपीज़ में भी ख़रीदा है, बट आप इसको मतलब मेरे को तो 850 रुपीज़ में मिला है, तो मैं तो इसको यही कहूँगी कि आप जब भी इसको अपनी कार्ट, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको अपनी कार्ट में डाल के छोड़ दीजिएगा, और जब भी 850 का अराउंड या उससे भी कम का मिले तो आप इसको बड़े ही आराम से ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा है, कम्फर्टेबल फैब्रिक है, रेयॉन है, सॉफ्ट लग रहा है काफ़ी, एंड इसको आप आराम से कहीं पे भी डाल के जा सकते हैं। इसको इस पर मेरे को अराउंड 75% ऑफ मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी लगी है मेरे को, तो मैंने इसको इसलिए पिक किया क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कस्टमर रेटिंग बहुत ही अच्छी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं इसको एक बार एक्सप्लोर करके देखूँ कैसा है कैसा नहीं है, तो मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और मुझे भी लगा यार कुछ ना कुछ तो हम भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट मेकअप या वर्स्ट मेकअप ही हो, कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए अब मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। Lions roaring in the morning.
morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के एंड में आपको इस बार कुछ आज कुछ इंटरेस्टिंग दिखाऊंगी वीडियो में, तो वो था कि मैं पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैं कैसे तैयार होती हूँ, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं लगाती हूँ प्राइमर, और ये है प्राइमर इन द सेंस एलोवेरा जेल, और ये मैं एज अ प्राइमर की तरह यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। और मैं इसी को ही प्राइमर की तरह यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है स्किन पे, अच्छा सा एक लेयर बन जाता है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लिया है और अब मैं इसको अपने फेस पे लगा लूँगी। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है एज अ प्राइमर की तरह यूज़ करने के लिए। नेक पे भी लगा लेती हूँ मैं, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। आप इसको जब भी फेस वॉश करें तब भी लगा सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये, और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि ये एब्जॉर्ब हो चुका है और अच्छे से ये स्किन में जा चुका है। ये देखिए, पूरा स्किन ने एब्जॉर्ब कर लिया है इसको और बहुत ही अच्छी लेयर बन जाती है इसकी। देन मैं लगाती हूँ ये कंसीलर प्लस फाउंडेशन टाइप है, ये फिट मी का मेबलिन का है, और थोड़ा सा पहले मैं इसको अंडर आइज पे लगा लेती हूँ, जहाँ भी एज ए कंसीलर मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये सब मैं यहाँ पे जहाँ पे मेरे डार्क स्पॉट्स हैं मैं उन पे थोड़ा थोड़ा लगा लेती हूँ इस तरह से, और अंडर आई एंड अपर आई पोर्शन में भी लगा लेती हूँ। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा था। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आप लोग के साथ मैं अपना मेकअप भी शेयर करूँ कि मैं मेकअप हर वीडियो में कैसे करती हूँ, तो आज फाइनली वो दिन आ गया और मैंने ये शूट कर लिया है। बिकॉज बेबी के साथ बहुत पॉसिबल नहीं हो पाती, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी आई में एक रेड रेड हो रहा है, तो शिवांश की उंगली लग गई थी और मैं बहुत डर गई थी, बट फाइनली अभी काफ़ी हील हो चुकी है और इसमें मैं आई ड्रॉप वगैरह डाल रही हूँ। देन नेक्स्ट मैंने अभी ये कंसीलर और कंसीलर कम फाउंडेशन टाइप एक वो लगा ली है स्टिक की फॉर्म में जो आता है, और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कौन सा फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मैं फाउंडेशन यूज़ तो बहुत तरह की करती हूँ, बट मैं मेबलिन का फिट मी का जो मैंने आपको फेस पाउडर का रिव्यू दे रखा है वो भी यूज़ करती हूँ, और डिपेंडिंग अपॉन द टाइम मैं सारे यूज़ करती रहती हूँ। मेरा डायर का भी है तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ। आज मैं आपके साथ ये सीसी क्रीम शेयर करने वाली हूँ। सीसी क्रीम मैं अभी लैक्मे की नई लेके आई हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ रिसेंटली, और इसका रिज़ल्ट मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा है। और इसको यूज़ करते हैं और इसको लगाते हैं। इसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही अच्छी है और 95 बहुत ही अच्छा फेस पे बहुत ही अच्छा लुक देती है, और इसको हम छोटे छोटे डॉट्स के फॉर्म में लगा लेंगे, स्पेशली अपने अंडर आई के एरिया में। आपको नेक एरिया भी कवर करना चाहिए, बट मैं नेक एरिया और ईयर पे अपना एक फाउंडेशन लगाऊंगी, तो मैं जस्ट उसी से एक टचअप दे देती हूँ। मैं बाकी कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं वही लगाऊंगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको मर्ज करके कैसा लुक देगी ये।
आप इसको चाहें तो हाथ से भी लगा सकते हैं, और या फिर आप जो स्पॉन्ज आते हैं उसकी हेल्प से भी लगा सकते हैं, डैप डैप करके, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसी तरह से लगाएं। अदरवाइज़ जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे कि आप जिससे भी लगा रहे हैं उससे कंफर्टेबल नहीं हैं, तो ठीक से नहीं लग पाता है। तो मैं कभी कभी, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मैं हाथ से भी लगा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं, अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम है, तो मैं ब्रश का यूज़ करती हूँ, और ब्रश से बहुत ही अच्छे से सारी जगह अच्छे से सेटल हो जाता है। कहीं से भी केकी केकी नहीं लगता, और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा ग्लो आ गया है फेस पे एकदम सीसी क्रीम से। देन नेक्स्ट मैं फिर से लगाती हूँ यही वाला फिट मी का कंसीलर प्लस फाउंडेशन, और हल्का सा, क्योंकि मेरे थोड़ा डार्क सर्कल्स हैं, तो मैं इसको दो बार लगाती हूँ, और इससे बिल्कुल परफेक्ट बन जाते हैं। इसको थोड़ी देर मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ और अपना आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। ये है लॉरियल का आईब्रो किट, और ये मैं अपने आई शेडो पे लगाती हूँ। मैं इसका डार्क कलर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें दो शेड दिए होते हैं, एक लाइट एंड एक डार्क। तो मुझे डार्क बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है, एकदम से आपकी आईब्रो बहुत ही परफेक्ट लगती हैं। और यहाँ पे पीछे आईब्रो बनाने का एक ब्रश भी दिया हुआ है इन्होंने, ये एक्स्ट्रा जो आपके उस पर लगाओ आईब्रो पे तो वो हट जाता है। ये भी मैंने अमेज़न से ही लिया है, और इसको मुझे यूज़ करते हुए अप्रॉक्स 2 ईयर्स हो गए हैं। मैं सेम मंगाती रहती हूँ, मेरे को बहुत पसंद आई है ये वाली किट, और बहुत ही हैंडी है, छोटी सी है, आप इसको इजीली कहीं पे भी ले जा सकते हैं, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती है आपके पर्स में। हम चलते हैं आईज़ की तरफ, आईज़ का मेकअप करते हैं। ये है ग्लैम 21 की आई शेडो किट, और मैं इसी का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा आई शेडोज़ वगैरह नहीं लगाती हूँ, तो मेरे लिए यही काफ़ी है, और मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ अभी रिसेंटली। एंड देन तो मैं अभी पिंक लिपस्टिक लगाने वाली हूँ, तो मैं उसी की मैचिंग आपको थोड़ा सा आई शेडो मैं उसी का लगा लूँगी। एंड इसको मैं ऐसे स्प्रेड करूँगी हल्का हल्का सा, और ये जो किट थी ये भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे थी, इसका कुछ ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। और मैं इसको अब ब्रश के हेल्प से स्प्रेड कर लूँगी। ये है एंगल्ड आईब्रो ब्रश, और ये भी मैंने अमेज़न से ही लिए हैं, और ये है सोलिमो के, अमेज़न का इन हाउस ब्रांड है, और बहुत ही अच्छे निकले हैं ये ब्रश। ये मैंने ये लास्ट ईयर लिए थे, और लास्ट ईयर से मैं कॉन्टीन्यूसली यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आता है इनका यूज़ करने पे, कोई चुभते नहीं है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली लग गया है। ये आईलाइनर है मेबलिन का, और ये बहुत ही अच्छा लगता है, लिक्विड अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और बहुत ही इजीली लग जाता है। ये देखिए बहुत ही इजीली लग जाता है, और बहुत ही अच्छा ब्रश है इसके साथ पतले वाला। और ये देखिए मैं इसको लगाती हूँ,
The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. तो ये लग गया है आईलाइनर, और अब मैं लगाऊंगी इनको। मैं जो मैंने ये एक्स्ट्रा ये लगाया था, इसको मैं अच्छे से मर्ज कर लूंगी हाथ से। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो जाता है कि जैसे कि अभी कुछ भी लगाया है तो वो फैलता नहीं है, उसको आप अच्छे से मर्ज कर लो एंड परफेक्टली बहुत ही अच्छे से लग जाता है। और एक्स्ट्रा अगर कुछ गिरा हो तो उसको हटाने में भी आसानी रहती है। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, और मेरी अंडर आइज़ की जो डार्कनेस है वो भी चली गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब मैं हल्का सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं नीचे काजल लगाऊँगी एंड दैट्स इट। फिर लिपस्टिक एंड दम बिंदी वगैरह बहुत ही ईजली, मतलब हाफ एन आवर लगता है मेरे को जस्ट तैयार होने में। और ये है कलर बार का फेस पाउडर, और मैं इसको ही यूज़ करती हूँ। और रिसेंटली मैंने अभी नया परचेज़ किया है और इसकी पैकेजिंग थोड़ी चेंज हो गई है। पहले थोड़ा सा अलग आता था, अभी दूसरा आ गया है। यहाँ पे पहले इसमें सिल्वर सिल्वर लगा होता था, अब ब्लैक लगा होना लग गया है, चेंज हो गई है। और मैंने अभी तक इसको एक भी बार यूज़ नहीं किया है, फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। और मेरे पास इसका पुराने वाला बहुत है और मैं उसको काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये देखिए, अब आप इसको अपने सारे ही मेकअप को अच्छे से सेटल कर लीजिए। कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, आपका सारा मेकअप जो है वो प्रॉपरली सेट हो जाता है, फाउंडेशन। और ये देखिए बिल्कुल ही अच्छा हो जाता है एकदम से। चाहे तो आप लूज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लूज़ आजकल लूज़ आने लग गए हैं फेस पाउडर्स वगैरह, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं अपने नेक के लिए ये वाला, मैंने जो आपको बताया है मेबलिन का, ये फिट मी फेस पाउडर की फॉर्म में ही है ये वाला फाउंडेशन, एंड मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा लेती हूँ और अपने नेक पे इसको ही लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा ईयर्स पे, ताकि ये अलग ना दिखे। नहीं देखिए अभी लग चुका है। और मैं जो भी प्रोडक्ट्स हैं सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर आपको अच्छे लगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये है लैक्मे का आइकॉनिक आई काजल, ये तो ऑलमोस्ट सभी के पास होता ही है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ काजल। ये देखिए काजल लग गया है बिल्कुल परफेक्टली। अब मैं लगाती हूँ लिप शेड, और मैं ये लिप शेड लगाने वाली हूँ, ये है कलर बार, और ये मेरा फेवरेट है। और मैं ज़्यादातर, आपको देखा ही होगा आपने मेरी वीडियोस में, ये वाला ही शेड लगाए रखती हूँ, तो मेरा ये फेवरेट है। लिप ब्रश की हेल्प से लगाने वाली हूँ। Let's all take a ride.
तो ये लग गया है और अब मैं लगाती हूँ सिंदूर। ये सिंदूर भी लैक्मे का है एंड ये हमने यहाँ लगा लिया। इस बार मैंने थोड़ा मेहरून कलर कर लिया है क्योंकि रेड कलर के मेरे पास बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मैं थोड़ा सा डिफरेंट सा ट्राई करना चाहती थी, तो मैंने इस बार मेहरून कलर का लिया और काफ़ी अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, मतलब मेहरून रेड के शेड्स यूज़ करते रहो तो बहुत ही अच्छा लुक देता है, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाता है। अब मैं लगाऊंगी बिंदी। बिंदी मैं थोड़ी डार्क कलर की लगाऊंगी बिकॉज लाइट कलर मेरे पे ज़्यादा सूट नहीं करता। और ये मैं लगाऊंगी ब्लू कलर की। दैट्स इट, मेरा मेकअप हो चुका है और बस अब मेरे को बाल बनाने रह रहे हैं। अपना हेयर वॉश किया था तो और मैं इसके ऊपर अब लगाने वाली हूँ सीरम। ये सीरम मैं यूज़ करती हूँ, मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी तो मैं तब से यूज़ कर रही हूँ इसको और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। अगर आपने रिबॉन्डिंग नहीं कराई है तो भी आप इसको लगा सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपके हेयर्स को बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो आप ये वाला, मैं तो ये यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने नायका से मंगाया है, इस पर काफ़ी 40% के अराउंड मेरे को शायद मिला था, मेरे को ठीक से नहीं याद है बट अराउंड 40 अराउंड मेरे को उस पर डिस्काउंट मिल गया था। और इसको आप हल्का सा अपने बालों में लगाएं और ये परफेक्टली जाता है, तो जब भी आप अपना हेयर वॉश करें तो इसको लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छे रहते हैं, इससे बाल ज़्यादा झड़ते नहीं हैं ये अच्छे से। और अब हम तो आप लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही होगा ज़्यादातर मेरा यही लुक रहता है और मैं यही क्रिएट करती हूँ बिकॉज़ मुझे यही अच्छा लगता है। ये वाला लुक अपना एक क्लचर लगा लो, जैसे उसमें कुछ नहीं करना होता, ईजली हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे होते हुए मैं तैयार एक वीडियो के लिए। तो अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक भी अच्छा लगा हो और मैंने जैसे आपको बताया है ये सब मेकअप का कैसे तैयार होती हूँ, अगर आपको ये चीज़ भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा और मैं कैसे तैयार होती हूँ, आपको ये देख कर कैसा लगा। तो प्लीज़ ये सब आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी गणेश उत्सव में, जैसे मैंने आपको बताया था, और एक कम्युनिटी टैब पे पिक्चर भी शेयर करी थी आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ आप मेरे को बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आप अगर ऐसी ही मेरी मेकअप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो और आपके लिए ज़रा से भी बेनिफिशियल हो और आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।